नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नव संवत्सर पर रही कार्यक्रमों की धूम, रन फॉर कल्चर दौड़ का भी हुआ आयोजन, वहीं निकली भव्य शोभा यात्राएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का दावा, राजस्थान में बनाएंगे सरकार, भाजपा से निराश है जनता। मंत्रिमंडल फेरबदल में असमंजस में सरकार, रूठों को मनाए या मौजूदा मंत्रियों को करे नाराज, कैसे होगा डैमेज कंट्रोल। कटासर मिलने से फैली सनसनी, नगर क्षेत्र के सीकरी रेलवे फाटक के पास मिला शव, पुलिस जुटी जांच में। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर के मौके पर चारों तरफ इसकी धूम रही, कहीं भगवा रैली तो कहीं शोभाएं यात्राएं निकाली गई। इस दौरान नव संवत्सर सेवा समिति द्वारा रन फॉर कल्चर मैराथन दौड़ करवाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। नव संवत के मौके पर प्रताप ऑडिटोरियम से रन फॉर कल्चर दौड़ का आयोजन किया गया। इस मौके पर सह संयोजक डॉक्टर के गुप्ता, यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत, अविनाश कौशिक, विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सोन सिंह सोलंकी ने दीप प्रज्वलित किया। दौड़ में विजेता रहे प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान आईटीओ बिशन कालरा, उद्योगपति विजय डाटा, समाज सेवी दिनेश भार्गव, गंगाश्याम गुर्जर भी मौजूद रहे। दौड़ का शुभारंभ अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। यहां मौजूद कार्यक्रम संयोजक अविनाश कौशिक ने नव संवत पर प्रकाश डाला। रन फॉर कल्चर मैराथन, आज यह मैराथन नववर्ष के उपलक्ष्य में, भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में होने जा रही है। यह मैराथन तीन वर्गों में हो रही है, अंडर 14, एक 14 से 18 वर्ष, एक 18 से ऊपर के वर्षों में हो रही है। आज नव संवत्सर है, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, सारा भारतवर्ष इस नए वर्ष को मनाने में लगा हुआ है। अलवर में इसकी विशेष रूप से तैयारी की गई है। अलवर शहरवासियों को और जागरूक करने का प्रयास किया गया है। हम लोग नव संवत्सर मानते तो हैं लेकिन मनाते नहीं हैं। इस बार ये प्रयास किया गया है कि नव संवत्सर कैसे मनाएं, नव संवत्सर क्या है, नव संवत्सर के बारे में सारी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। भारतीय नववर्ष के मौके पर आदर्श विद्या मंदिर स्कूल द्वारा भी शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने हाथों में भगवा ध्वज लिए आगे आगे चल रहे थे, साथ में भगवान राम सीता से देशभक्ति से ओतप्रोत 21 झांकियां निकाली गई। उधर महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। स्कीम नंबर 4 स्थित आदर्श विद्या मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा, शहर के विभिन्न मार्गों से निकली यात्रा का रास्ते में जगह जगह स्वागत भी किया गया। पिछहत्तर के इस शुभ अवसर पर पहली बार मैंने देखा कि आदर्श विद्या मंदिर के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हजारों की तादाद में और सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने कलश यात्रा लेकर के और ये 21 झांकियां हिंदू नववर्ष के मंगल पर्व पर जो रोड नंबर 2 पे पहली बार मुझे देखने, मेरे जीवन में पहली बार देखने को मिली है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हिंदुओं के लिए ये प्रेरणा का विषय है कि इस तरह के कार्यक्रम जोर शोर से करने चाहिए। और इस अवसर पर मैं सभी अलवर वासियों को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं तथा ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी अलवर जिले के वासियों के, हिंदुओं की जो भी मनोकामना है वो इस साल 100% पूरी होगी। जय राधे, राधे राधे, जय भोले। वहीं इस मौके पर शिवसेना द्वारा भी नव संवत्सर के मौके पर एक विशाल भगवा रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गोयल, मुकेश बावल ऐसे ही सैकड़ों की संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए।
बाइकों पर सवार शिव सैनिक हाथों में भगवा पताका लिए देशभक्ति के नारे लगा रहे थे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हमारी परंपराओं का, हमारे नैतिक मूल्यों का और हमारे प्राचीन धरोहर का बड़ा महत्व है। आज नव संवत है, विक्रमादित्य साहब के समय से, ये शासनकाल के समय से नया साल मनाने का ये परंपरा शुरू हुआ और नए साल को हम आज नए संवत के रूप में मना रहे हैं। हमें देखिए, हम लोग पाश्चात्य सभ्यता के पीछे हमारे देश के बहुत सारे नागरिक भागे हैं। हमें अंग्रेजी की जरूरत तो हो सकती है लेकिन अंग्रेजियत की जरूरत कतई ही नहीं है कि हम अंग्रेजी को पढ़ने के चक्कर में अंग्रेजी पाश्चात्य शैली को अपना लें और अपने भारतीय कल्चर को, अपने संसाधनों को और अपने संस्कृति को बदल दें। ये गलत है। हमें नए साल को नए संवत के रूप में ही मनाया जाना चाहिए। नव संवत्सर और चेटीचंड महोत्सव के चलते सिंधी समाज ने भी इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल और सभापति अशोक खन्ना ने किया। दौलपुर स्थित सिंधु भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में सिंधी समाज के अनेकों महिला पुरुषों ने रक्तदान किया। मेला कमेटी अध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि इस शिविर में 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 19 मार्च को चेटीचंड महोत्सव का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ किया जाएगा। महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री झूलेलाल सिंधी पंचायत ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर रक्तदान शिविर शुरू हो चुका है। काफ़ी तादाद में लोग बाग इंतजार कर रहे हैं और रक्तदान शिविर चालू है। और हमारे शहर अध्यक्ष श्री बनवारीलाल सिंगल जी और चेयरमैन नगर परिषद अलवर पधारे हुए हैं और उनसे बड़ा उत्साहवर्धन हो रहा है। लोग बाग बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं रक्तदान शिविर में। इसमें महिलाएँ भी पूर्ण सहयोग दे रही है। अभी तक हम लोगों ने 15 महिलाओं का नामांकन किया है और इसके अलावा और भी अभी वेटिंग में है। कुल कितने लक्ष्य हैं? लक्ष्य हमारा है 151। कल क्या कार्यक्रम होगा? कल का कार्यक्रम सुबह झंडारोहण 8:15 श्री झूलेलाल सिंधी पंचायत ट्रस्ट के सिंधु भवन में होगा। उसके बाद यहाँ आम भंडारा होगा। आम भंडारे के बाद शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी पूरे शहरों में होती हुई। सिंधी कल्चर, सिंधी हमारे जो दरवेश और संत हैं, श्री झूलेलाल जी हमारे इष्ट देव हैं, उनका पूजन और उनके स्तुति होते हुए पूरे शहर में होगी। और हॉफ सकस पे शाम को 5:00 महाआरती का आयोजन किया गया है। उसके बाद ही शहर होते हुए रात का जो कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सिंधी कल्चर मेला मंगल पढ़ने में रात्रि 8:00 से। उधर नव संवत्सर के मौके पर शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा सुभाष चौक से कलश यात्रा निकाली गई। इसमें 351 महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर संत श्री बालकनाथ, महंत श्री रूपनाथ सहित शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल, सभापति अशोक खन्ना और तिरपोलिया के महंत श्री जितेंद्र खेड़ापति भी मौजूद रहे। शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा समस्त जो भक्तगण हैं उनके सहयोग से नवचंडी पाठ व श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, जिसकी भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ महंत श्री बाबा बालकनाथ जी स्थल भोग, हीरानाथ जी की बगीची, बाबा रूपनाथ जी महाराज व शहर विधायक व अन्य पार्षद के द्वारा कार्यक्रम को प्रारंभ करवाया गया, जो कि ये यात्रा मुख्य बाजारों से होती हुई खेड़ापति भवन स्थल पर पहुंचेगी, जहां प्रतिदिन 1 से 4 बजे तक कथा का वाचन दीपक अवस्थी शास्त्री जी द्वारा किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के चलते, भागवत कथा के चलते, प्रतिदिन भगवान की अलग अलग रूप की झांकियां दिखाई जाएंगी। वह 25 तारीख को विशेष कन्या पूजन व गौ पूजन का आयोजन व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जैसे नवरात्रा के शुभारंभ पर आज घर घर घट स्थापना की गई, वहीं भक्त मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे। सुबह सुबह करणी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ देखी गई। रास्ते में जगह जगह माता की चुनरी और प्रसाद की दुकानें सजी हुई थी। यहां कोई पहली बार करणी माता के दर्शन करने पहुंचा तो कोई 20 वर्षों से लगातार दर्शन करने आ रहा है। नवरात्रा के शुभारंभ और नव संवत्सर के मौके पर मंदिर जाने वाले भक्तों का कांग्रेस नेता नीलेश खंडेलवाल और कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया।
हम लोग सभी लोगों को आज हमने तिलक और कंगन आज सूत्र में दौरा बांधकर सभी का अभिनंदन और बधाइयाँ और सभी को शुभकामनाएं दी। आज एक भाईचारे का प्रतीक हम मान के चलते कि इससे शांति और देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें निश्चित रूप से शांति और एक भाईचारे का एक संचार होगा। हम यही शुभकामनाएं करते हैं माता के दरबार। मैं यहाँ बहुत दिनों से मेरे को तो 30 साल हो गए यहाँ आते हुए। मैं तो यहाँ से आती हूँ और यहाँ का मेरे को तो मालूम है, यहाँ तो हर वक्त मनोकामना पूरी होती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 84वें महाअधिवेशन को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का गौरवमय इतिहास रहा है जिसमें देश को स्वतंत्रता दिलाने के साथ ही विकास के मुकाम स्थापित किए जाने का जज्बा शामिल है। पायलट ने कहा कि आज देश के सामने आ रही सभी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे मनोबल के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले समय में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों और पंचायत राज के सभी उपचुनावों में सफलता हासिल की है और आगामी समय में होने वाले विधानसभा और आम चुनावों में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलेगी। पायलट ने कहा कि आज देश में हर वर्ग में असंतोष व्याप्त है और सरकारी वादा खिलाफी से निराश जनता पूरी उम्मीद के साथ कांग्रेस की तरफ देख रही है। एक नई राजनीति का आगाज हो रहा है साथियों, सब लोगों को साथ लेकर चलने की जो एक नीति राहुल गांधी जी ने बनाई है और कांग्रेस के त्याग, तपस्या, बलिदान को जो लोग चुनौती देते हैं वो कान खोल कर सुन लें कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अभी सिर्फ उपचुनाव जीते हैं और बहुत जल्द हम लोग उपचुनाव जीतने वाले हैं और कांग्रेस की सरकारें बनेंगी पूरे देश में और 2019 में यहाँ कांग्रेस की सरकार देश में बनाने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक 10 महीने पहले 2 संसदीय और 1 विधानसभा चुनाव में हार का सदमा झेल रही भाजपा डैमेज कंट्रोल में लगी है लेकिन बातें अभी सिरे नहीं चढ़ पा रही। उपचुनाव के नतीजों ने भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का संदेश तो दिया भी लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं है। मंत्री और भाजपा के कुछ नेता ब्यूरोक्रेसी के निरंकुश होने की बात करते हैं तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि मंत्री उन्हें भाव ही नहीं देते। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से नौकरशाही के साथ राज्य मंत्रिमंडल में फेर बदल की चर्चाएं जोरों पर रही लेकिन लगता है कि मंत्रिमंडल फेर बदल को लेकर भी भाजपा नेतृत्व को कोई अदृश्य भय सता रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि प्रदेश में आगामी नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल में फेरबदल एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, इसलिए ही शायद भाजपा नेतृत्व कोई फैसला नहीं कर पा रहे। प्रस्तावित मंत्रिमंडल फेरबदल में कुछ मंत्री विधायकों का कद बढ़ाकर जातिगत समीकरण साधना एक बड़ा मकसद हो सकता है लेकिन जिनका कद घटाया जाना है उनकी संभावित नाराजगी ने इन चुनावी साल में भाजपा आलाकमान को असमंजस में डाल दिया है। मसलन 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, ये विशुद्ध रूप से जातिगत आधार पर तय होना है। इसमें ये बात सामने आ रही है कि एक ब्राह्मण और एक राजपूत नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कुछ नाम भी सामने आए लेकिन इनके प्लस माइनस ने मामला उलझा रखा है। मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं के बीच इन दिनों भारतीय भवन की ओर से भी नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवाजाही लगातार देखी जा रही है। कारण साफ है कि बिना आरएसएस की मदद के भाजपा की चुनावी वैतरणी पार लगनी मुश्किल है। अब तक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने हिसाब से ही फेरबदल करने में कामयाब रही, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में भी उनकी मर्जी ही चली। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस बार भी वसुंधरा को ऐसा ही फ्री हैंड मिल पाएगा। यदि ऐसा होता है तो भाजपा आलाकमान को वांछित फायदा मिलने से शंका नजर आ रही है और नहीं होता है तब भी दिक्कत कम नहीं होगी। भरतपुर जिले के नगर क्षेत्र के सीकरी रेलवे फाटक के पास एक अज्ञात व्यक्ति का कटा हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पड़े कटे शव को मोर्चरी भिजवाया। हालांकि अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि मामला हत्या का तो नहीं। 7 बजे सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर सीकरी फाटक के पास एक व्यक्ति ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया है, कट गया है, जिस पर मौके पर पहुंचे एक व्यक्ति जिसकी गर्दन से कटे हुए
मिला जिसको नगरपालिका के गाड़ी के सहायता से हॉस्पिटल लाए और सबको मोर्चरी में रखवाया गया है, जिसकी शनाख्ती के लिए कार्रवाई चालू चल रही है, लोगों को भी दिखाया है। शहर कोतवाली थाना अंतर्गत स्कीम नंबर 2 में मुखबिर की सूचना पर एक मकान में दबिश देकर 1,58,000 रुपए का जुआ पकड़ा। शहर कोतवाल राजवीर सिंह अठवाल ने बताया कि जानकारी मिली थी कि स्कीम 2 में कुछ युवक जुआ खेल रहे हैं। दबिश देने पर वहां जुआ खेल रहे 4 युवकों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से 1,58,000 रुपए और ताश की गड्डी बरामद की गई। पकड़े गए लोगों में शिवाजी पार्क निवासी दिलीप सिंह, बड़ौदा में निवासी अमित यादव, खदाना मोहल्ला निवासी मनीष और रणजीत नगर निवासी प्रभु दयाल सहित भीम सिंह को गिरफ्तार किया गया। एक स्कीम नंबर 2 में मकान है, जहां पर हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि वह व्यक्ति वहाँ जुआ खेलता है और वहाँ अक्सर आकर के जुआ खेलते हैं। इस पर अपने उस पर रेकी करवाई थी और हमने उसका वारंट लिया और उस मकान की तलाशी ली, तो उसमें 5 व्यक्ति जुआ खेलते हुए मिले, जिनके पास से 1,58,000 रुपये बरामद हुए हैं। और ये जो भीम सिंह है, जो जिस मकान में बैठ के खेलता है और को बुला कर खिलाता है, जुआरी है और इसने स्वीकार किया है कि मैं मेरे घर में बैठ कर के। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। नव संवत्सर पर रही कार्यक्रमों की धूम, रन फॉर कल्चर दौड़ का भी हुआ आयोजन, वहीं निकली भव्य शोभा यात्राएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का दावा, राजस्थान में बनाएंगे सरकार, भाजपा से निराश है जनता। मंत्रिमंडल फेरबदल में असमंजस में सरकार, रूठों को मनाए या मौजूदा मंत्रियों को करे नाराज, कैसे होगा डैमेज कंट्रोल। कटासर मिलने से फैली सनसनी, नगर क्षेत्र के सीकरी रेलवे फाटक के पास मिला शव, पुलिस जुटी जांच में। स्पार्कल प्राइम इंडियन न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।